जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत माँ की सेवा के लिए व्यतीत किया, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है, और जो नए भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने का एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अभी भी हमने अस्पताल में जो मरीज थे उनको बल वितरित करके जहाँ उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। दो लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेड़ी फड़ी लगाने वाले, उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी हैं। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य किया।